हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं की पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और उसका संख्या पद्धति क्या होता है, इसके सिस्टम क्या होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग उसी से संबंधित प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, हमने पहले ही आपको बताया था कि शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या होता है, और सवाल उसी से संबंधित है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और फिर क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर नहीं है ज़ीरो के। तो चलिए, क्वेश्चन को हमको ये बताना पड़ेगा, सॉल्व करके इसका आंसर ये लिखना पड़ेगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, और इसे फिर पी बटा क्यू के रूप में अगर है तो कैसे इसको लिखा जा सकता है। तो हमने पढ़ा है, और हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ज़ीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, और जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है। और भी इसके साथ बहुत सारे उदाहरण लिए थे कुछ, और जैसे 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, इससे क्या होता है कि 0 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हो क्या रहा है कि उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक और बात है कि इसे 0 को जो है संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब इसे p बटा क्यू के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखा गया, और इसे p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं किस प्रकार। देखिए, 0 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, यानी कि आप 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p क्या है 0 है, q क्या है 1 है। लेकिन एक कंडीशन होता है कि परिमेय संख्या में p और q, p बटा q होना चाहिए, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो वो यहाँ कंडीशन लिख देना पड़ेगा। आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इतने सारे शब्दों को अगर आपको नहीं भी लिखना है, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है डिफ़िकल्ट कि इतने सारे शब्दों को हम नहीं लिखना चाहते हैं, इसको दर्शाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तो चीज़ आप लिख, ये लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसे पी बटा क्यू के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे 0, तो 0 के बराबर में हम 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर में 0/2 भी लिख सकते हैं, और फिर 0 के बराबर में 0/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लिया गया है 0 के बराबर 0/1, 0/2 और 0 के बराबर 0/3, तो ये सारे के सारे क्या संख्या हैं, पी, ये एक पूर्णांक है, और इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे कि इसे पी बटा क्यू के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 और 4 खुद एक परिमेय संख्या है, और इन परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक संख्या रेखा तैयार करते हैं, तो आपको पता है कि मान लीजिए कि यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है। अब आपको कुछ पूछ दे कि 3 और 4 के बीच में यहाँ कितनी परिमेय संख्या है, तो ऐसे तो देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, 10, 20, 1000, 1000, 1000,000, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में है, बस उसको निकालने का तरीका होना चाहिए। तो उसी तरह से क्या है कि इसके 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, इसमें परिमेय संख्या भी आ सकती हैं, अपरिमेय भी आ सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ 6 परिमेय संख्या को निकालने के लिए बोला है 3 और 4 के बीच में। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें मात्र अभी 6 निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ तरीका होता है, उसको मेथड होता है, उसको यहाँ पर देखना है आपको। तो हमें यहाँ क्या करना है, 6 संख्या प्राप्त करना, ये आपको याद रखना है कि हमें 3 और 4 के बीच में कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर 6 निकालना है तो आप क्या करेगा, 6 से आप
एक प्लस कर दीजिएगा, छः के छः में अगर एक प्लस करते हैं तो क्या आता है 7। ये आपको खुद से करना है कि अगर तीन और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कुछ परिमेय संख्या को निकालना है तो जितनी संख्या परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए कहा गया है उतनी परिमेय संख्या में क्या करेंगे, जैसे छः बोला है तो छः में से एक प्लस कर देंगे 7 आएगा। अब क्या करेंगे, वो तीन और चार जो है उस तीन और चार में वो 7 को ना क्या करेंगे हम, देखिए तीन पहले ऐसे ऐसे करेंगे इसको, तीन और चार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर देखिए क्या आता है। सो इतना ज़्यादा लैंग्वेज आपको लिखना नहीं है, बस तीन और चार लिखिए आप, है ना, और यहाँ तीन के बटे में कुछ नहीं तो एक है और चार के बटे में कुछ नहीं तो एक है। आपको क्या करना है, तीन और चार के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 7 परिमेय संख्या निकालना है ना, सॉरी 6 परिमेय संख्या निकालना है। और इसको करने के लिए हमने क्या किया है, 6 प्लस 1 करके रखा है 7, वो 7 का हम क्या करेंगे, ज़रा से यहाँ आपको देखना है क्या करेंगे कि वो तीन बटे एक और चार बटे एक में क्या करेंगे, वो जो 7 जो नंबर है ना वो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी तरह 4 में भी करेंगे, वो 7 ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है, आंसर हर में 7 से गुणा करने पर, ठीक है, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद इसको गुणा करते हैं तो 7 या कितना आएगा 21 और 7 एकम 7 ये आ जाएगा। आप इसको गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 एकम 7 ये आपका 28/7 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ करने क्या चले हैं, तीन और चार चार के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने चले हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे और आगे लिखेंगे क्या, अब इसे गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ गया हमारा 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग। 21 और 28 के बीच में कितने नंबर हो गए, 21 के बाद 22 आता है वो यहाँ पर लिख दिया, फिर 23 आता है, फिर 24 आता है, 25, 26, 27 और इसके बटन भी 7 था और इसके बटन भी 7 था, तो सबके बटन में क्या करेंगे हम 7/7 दे देंगे। तो ये जो नंबर हमको प्राप्त होंगे मिलेंगे वही क्या होंगे, तीन और चार के बीच में के ये परिमेय संख्याएं होंगे, और वो कितने नंबर हैं आपके 6 नंबर होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्योंकि ये 21/7 क्या, इसे जब आप काटेंगे तो 7 या 21 कट जाएगा ये, और ये 7 चौके 28, तो तीन और चार के बीच में हमारी यही सारी संख्याएं निकल के आए, यही होगी तीन और चार के बीच में 6 परिमेय संख्या। अगला प्रश्न जो है बिल्कुल इसी तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, उसी तरह से क्या करना है, जो परिमेय संख्या दी गई है और जितना आपको निकालने कहा गया है उससे आपको क्या करना है, एक प्लस करना है, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में निकालने के लिए कहा गया है, और कितना निकालने गया, 5 परिमेय संख्या, 5 निकालने बोला है तो क्या करिएगा, 5 से प्लस आप एक कर दीजिएगा 6, ये आप रफ में भी कर सकते हैं। तो ये 6 जो है ना, इस दोनों भिन्न संख्या के क्या करना है, अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक है, ये निकालने का एक तरीका होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को निकालने का ये तरीका है। तो अब उस 6 को क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, तो 3/5 और 4/5 जो है इसमें हम 6 ऊपर गुणा कर दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, और 4/5 में 6 गुणा कर दिए, अब 6 को 24, 6 3 18 और 6 5 30 ये आ गया हमारा, इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24/30। उसके बाद अब हमको निकालना है क्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसको आगे देखिए हम क्या करेंगे, सो 18/30 अभी आ गया 18/30 और ये 24/30 के बीच में निकालना है 5, तो 18 और 24 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, 19, 20, ठीक है, 21, 22 और 23, ठीक है, अब इसके बटन भी 30 है, इसके बटन भी 30, तो सबके बटन में क्या करेंगे 30 करेंगे। उसके बाद जब आप इसे काटेंगे, देखिए कटेगा 18/30 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा, 6 3 18 और 6 5 30 और ये 6 चौके 24 और 6 5 30, देखिए 3/5 और 4/5 वही नंबर आ गया, और इसी के बीच में तो निकालना था, और इसके बीच में सारे कौन से नंबर आ रहे हैं हमारे, देखिए वो ये सारे नंबर आ रहे हैं 19/30, 20/30, तो 3/5 और 4/5 के बीच में यही 5 नंबर अभी निकल कर आए हैं जो इसके बीच में आएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक दोबारा अगर आप प्रयास करेंगे तो ये बन जाएगा।
और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं उसे उसका समाधान में करके फिर भेज दूंगा अलग से भी आपको। अब आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो प्रश्न है नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य है? मतलब यहाँ पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पढ़ के बताना है कि ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही आपको कारण भी देना है कि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों है। तो पहला कथन हमारा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पता है किसे कहते हैं, एक दो जो एक से शुरू होता है, और कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखें सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब ये सारा नंबर क्या ये पूर्ण संख्या का, और ये पूर्ण संख्या ये क्या ये पूर्ण संख्या होती है? हाँ, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है, वो एक सत्य है। क्या होगा, सत्य होगा। तो इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट का। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, उसी बता करके आप यहाँ ब्रैकेट में भी आप सत्य लिख सकते हैं, मतलब ये कथन सत्य है। अब कारण बोला, कारण भी देने के लिए बोला था क्वेश्चन, तो कारण दिए क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। क्योंकि अभी हमने आपको लिखा था, उदाहरण दिया था कि जितने भी पूर्ण संख्या हैं उसमें जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो शामिल होते हैं, अर्थात ये कथन सही निकला। अब अगला जो है, अगला स्टेटमेंट हमारा है, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या चीज़ होता है। तो पूर्णांक क्या है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरह सारे सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब कह रहा जितने भी पूर्णांक हैं मतलब ये, और ये सारे के सारे क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3। तो क्या जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे क्या पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में -1 भी होता है, -2 भी होता है, लेकिन वो तो पूर्ण में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा कथन है, जो मेरा स्टेटमेंट है, वो गलत होगा, असत्य होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, गलत होगा ये, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, अब इसका कारण देना है। कारण क्या है कि अभी हमने आपको बताया कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक नहीं होता है। पूर्ण संख्या में तो 0, 1, 2, 3 होता है, और पूर्णांक पे तो ऋणात्मक नंबर भी होता है, ये तो पूर्ण संख्या हो गया ना, आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसमें किसी भी ऋणात्मक नंबर नहीं है, जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक नंबर भी होता है, तो इसलिए ये कथन असत्य होगा। अगला है, लास्ट यानी कि तीसरा था, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको पता है वो संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है, -1, 1/2, 3/4, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो परिमेय संख्या हैं। ठीक है, अब वो परिमेय संख्या है क्या पूर्ण संख्या है? अब पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, और परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कि 1/2, 1/3, ये सब है। तो जितने भी परिमेय संख्या हैं या कोई भी परिमेय संख्या है, तो क्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं? नहीं आते, क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आता है, जबकि परिमेय संख्या में फ्रैक्शन नंबर भी होता है। तो ये भी कथन क्या होगा, गलत होगा, असत्य होगा। तो अर्थात हम बोलेंगे प्रत्येक 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 परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सॉरी यहाँ नहीं होती है, लेकिन इसको लिख करके यहाँ दर्शा दिया गया असत्य, मतलब ये कथन ही गलत है। ठीक है, या आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि है ना, असत्य लिख करके कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, और अगर यही कथन को लिखे तो आप ब्रैकेट में असत्य डाला गया, मतलब ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसके बाद और ये कह सकते हैं कि यह कथन, मतलब इसके शुरू में आपको लिखना पड़ेगा असत्य है। खैर, कारण इसका लिखना पड़ेगा, कारण परिमेय संख्या में
अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या में बहुत सारे नंबर्स हैं, 1/2, 1/3, इसको पूर्ण संख्या के अंदर इसको नहीं दर्शाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपने चैनल में डालूंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देखेंगे। और आपके लिंक में जो भी होगा उसको आप यही सलाह देंगे, मेरे चैनल के बारे में सलाह दीजिए और उसका पूरा रूप से उसको लाभ इसको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।